प्रदेश जिला शामली के चौसाना में चौकी इंचार्ज योगिंदर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां फ्लैग मार्च के दौरान चेकिंग अभियान भी चलाया गया। चेकिंग अभियान के तहत सभी गाड़ियों की चेकिंग की गई। गौरतलब है कि जब से इंचार्ज योगिंदर ने चौसाना चौकी का चार्ज संभाला है, इलाके के अंदर अमन चैन आ गया है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से चौसाना चौकी में हद से ज्यादा गंदगी फैली हुई थी। वहीं योगिंदर जी ने थाने के बाहर की पूरी बाउंड्री को नए तरीके से बनवाया है। जब भी बरसात होती थी थाने के अंदर बुरी तरह से पानी भर जाता था। आज पूरी चौकी को मिट्टी डालकर नए तरीके से उसको बनाया गया है। जनता को ऐसे ईमानदार और दबंग अफसरों की जरूरत है, तभी देश का भला हो सकता है। ये हमारा पैदल मार्च का अभियान चला हुआ है डीजीपी महोदय के आदेश अनुसार जी। सभी चौकी इंचार्ज थाना अध्यक्ष से लेकर के उच्च अधिकारी तक जी, वरिष्ठ अधिकारीगण भी निकले शाम के समय जी। बाजार में सर्राफा बाजार सुरक्षा की दृष्टि से उन लोगों के जी आपस में भाईचारा बने और उनकी समस्या को भी सुनते हुए पैदल मार्च किया जाएगा जी। उसी के तहत ये पैदल मार्च किया गया है जी। इससे लोगों में सुरक्षा की दृष्टि चेकिंग भी चल रही है। अगर कोई संदिग्ध दिखाई देता है, तीन सवारी दिखाई देती है जी, अतिक्रमण कोई दिखाई देता है जी, उसको साथ साथ में पकड़ा जाएगा जी। मेन उद्देश्य यही रखा गया है, लोगों की समस्याएं भी सुने, उनसे मिले जी और सुरक्षा की भावना में।